अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल नेक डिज़ाइन है, आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने किस तरीके से बनाया है। तो ये देखिए, ये मैंने डबल फोल्ड में बुकरम ले लिया है। मैंने गले की चौड़ाई जो रखनी है 3.5 इंचेस रखनी है। आप अपनी साइज़ के मुताबिक गले की चौड़ाई लंबाई रख लें। और ये देखें, 6 इंच गहराई रखनी है और 3.5 इंच चौड़ाई रखनी है। हमने गोल गला बनाना है और ये इस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है। 7 इंच लंबाई में मैंने और लिया, निशान लगाया है। और ये देखें, इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखें, ये मैंने गले की कटिंग कर ली। अब इसको मैं कपड़े के ऊपर चिपका लूँगी। ये मैंने इसको कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। और अब मैंने स्ट्रिप्स के लिए कपड़ा लेना है। मैंने जो स्ट्रिप्स तैयार करनी है उसके लिए, ये देखें, मैंने 2 कलर का कपड़ा लिया है। ये शर्ट में से ही बचा हुआ कपड़ा है। तो अब इसके हम स्ट्रिप्स तैयार करेंगे। ये देखें, जो मैंने एक स्ट्रिप लिया उसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। तो अब इसको फोल्ड करके हम इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स बना लेंगे। ये देखिए, ये अब मैंने सारी स्ट्रिप्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। और अब इन सारी स्ट्रिप्स को मैं सीधा करके प्रेस कर लूँगी। अब मैंने सारी स्ट्रिप्स को तैयार कर लिया, प्रेस कर लिया इनको मैंने। और अब जो मैंने गला चिपका के रखा था कपड़े के ऊपर, अब हम पहले इसको रेडी कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने गला रेडी कर लिया है। अब हम इसका ऊपर से कपड़ा बराबर करेंगे और इसको हम कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। सिंपल, पहले जो सिंपल गला हम लगाते हैं उसी तरीके से हमने इसको शर्ट के ऊपर अटैच करना है। तो ये देखें, अब बारी है इस गले को शर्ट के ऊपर अटैच करने की। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए, अब मैंने गले को अटैच कर लिया शर्ट के ऊपर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि गले को उल्टा करने में आसानी हो। जी तो व्यूवर्स, ये देखें, ये मैंने नेक रेडी कर लिया है सिंपल। और अब हम इसके अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। ये शलवार के साथ का कपड़ा है। और इसके ऊपर अब हम ड्रॉ कर लेंगे जो हमने डिज़ाइन तैयार किया है। ये देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर रख के तो हमने निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने इसके अंदर स्ट्रैप्स लगानी है, तो निशान लगाना ज़रूरी है। अगर आप निशान नहीं लगाएंगे तो आप सीधी सीधी भी पट्टियाँ अटैच कर सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि फिर आपको स्ट्रैप्स जो है ना, वो ज़्यादा बनानी पड़ेंगी और वो ज़्यादा कपड़ा वेस्ट होगा। तो इसलिए निशान लगा लें, तो इससे आपकी स्ट्रैप्स जो है ना, कम लगेंगी। तो अब हम
इसके ऊपर सारी स्ट्रैप्स इस तरीके से अटैच कर लेंगे। शर्ट में दो कलर का कपड़ा था तो इसलिए मैंने दो कलर की स्ट्रैप्स तैयार की हैं। तो आप अगर मल्टी कलर में बनाना चाहें और सिंपल ब्लैक हो तब भी बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन मेरी शर्ट में दो कलर का कपड़ा था तो मैंने दो कलर की स्ट्रैप्स तैयार की हैं। तो व्यूवर्स ये देखें, ये सारी स्ट्रैप्स मैंने इस तरीके से अटैच कर ली हैं और अब हम इसमें जो पीले रंग की स्ट्रैप्स थी वो हम इस तरीके से गुजारेंगे, एक को छोड़ के एक में से गुजारेंगे और इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। जी तो व्यूवर्स ये देखें, ये सारी स्ट्रैप्स मैंने इस तरीके से सेट कर ली हैं और अब इसके ऊपर हम इस तरीके से जो गला हमने तैयार किया था इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और पिन लगा लेंगे ताकि आसानी हो सिलाई करने में। जी तो व्यूवर्स ये देखें, ये मैंने सारी सिलाई लगा ली है, मैंने सारे डिज़ाइन को अटैच कर लिया शर्ट के साथ। तो अब आप इसके ऊपर मोती भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखें ये शीशे लगाए हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कैसा लगा नेक डिज़ाइन, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।